नमस्कार, मैं देवांशी दिव्य भारत न्यूज से। आइए देखते हैं आज की खबर। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में तमाम प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में संगठन के लिए सदैव तन मन धन से समर्पित रहने वाले सबके चहेते पूर्व वल्लभ नगर तहसील अध्यक्ष लाल सिंह झाला के अच्छे कार्यों को देखते हुए तीन जिलों पर संभाग अध्यक्ष नियुक्त किया। झाला को संभाग अध्यक्ष बनाए जाने पर तीनों जिलों के कर्णी सैनिकों में खुशियों की लहर छा गई। झाला का उदयपुर युवा जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चिंडावत, उदयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष सतवीर सिंह पहाड़ा, केसर सिंह समेत कई कर्णी सैनिकों ने पगड़ी और माला पहनाकर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। झाला ने बताया कि आगामी दिनों में तीनों जिलों में कार्यक्रम बनाकर हर तहसील तक प्रवास करके कर्णी सैनिकों की समस्या को सुना जाएगा। चित्तौड़ में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना समस्त जिला अध्यक्षों की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग के अंदर सलूम्बर जिला अध्यक्ष, उदयपुर से जिला अध्यक्ष और समस्त साथीगण हम चित्तौड़ की बैठक में शामिल हुए थे और वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी के निर्देशन में प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार ने उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग की दो नियुक्तियाँ करी है। संभाग अध्यक्ष बनाए जिसमें उदयपुर संभाग के अध्यक्ष श्री लाल सिंह जी झाला को बनाया गया और बांसवाड़ा संभाग अध्यक्ष रंजीत सिंह जी फतेहपुरा का बनाया गया। आज इन दोनों संभाग के अंदर जो अलग अलग जिले हैं वो तीन तीन जिले डिवाइड किए हैं। उदयपुर संभाग के अंदर राजसमंद, हरियावर, उदयपुर और सलूम्बर, और बांसवाड़ा के अंदर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा तीनों जिले शामिल किए गए। आज हम हमारी तरफ से लाल सिंह जी झाला को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे भैया को धन्यवाद, मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ मेरे पद के लिए जो समझा मंत्री सरकार ने धन्यवाद की। धन्यवाद आगे के कारण रणनीति इसी रहेगी कि हमारे जिलाध्यक्षों से चर्चा करके सभी जिलों का रोड मैप तैयार किया जाएगा और हर गाँव गाँव जाके कर्णी सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। जो भी आदेश मिलेगा उसके अनुसार काम किया जाएगा।